Revision rhinoplasty or redo rhinoplasty is a very difficult procedure because once the nose is operated, there's a lot of scar tissue and it's not like normal planes. Dissection becomes more difficult, and what the previous surgeon has done, it is difficult to predict. First, we have to find out that what the previous surgeon has done. इन दिस पेशेंट जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इंसान ने पहले कहीं से अपनी नोज की सर्जरी करवाई थी और बहुत पछताया था. क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी नोज देखें, ये बिल्कुल हाई स्लोप अप ऊपर जा रही है, जिसको पिगी नोज भी बोलते हैं. उस तरीके की सर्जन ने इनको नोज बना दी विदाउट नोइंग व्हाट विल सूट ऑन हिज फेस. ये बहुत ही एक डिफिकल्ट सर्जरी थी. क्यों? क्योंकि नोज इसमें बहुत अपटर्न थी. अगर आप हर एंगल से देखें, ये नोज कहीं से नॉर्मल नहीं लग रही है. ये लड़का एक बहुत ही हैंडसम फेस के साथ है. इसका बोनी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी नाइस, बट ये नोज देने की वजह से उसकी पूरी जो हैंडसमनेस थी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था. When he consulted me, I said I'll try my level best, but then I cannot guarantee to what level and to what shape I can give you the nose. Because ek baar agar surgery ho chuki hai aur usko perfect karna, aap 100% guarantee deke kisi ko nahi bol sakte. Better kar sakte hain, but ye nahi bol sakte I'll give you a perfect nose. But then I tried my level best to give him something that suits his face and compliments it rather than ruin it. अगर आप देखें, ये जो नाक पुराने सर्जन ने इनको दी थी, बहुत ही छोटी थी इनके फेस के लिए. सर्जरी के दौरान मैंने असेस किया कि छोटी नाक होने की वजह से इनके पूरे फेशियल फीचर्स अजीब लग रहे हैं. I decided that I'm gonna give length to his nose. मैंने इनकी नोज लंबी करने का डिसीजन लिया और जो कार्टिलेजेस उन्होंने ऊपर रोटेट की थी, बहुत मुश्किल से मैंने उनको रिलीज किया और टिप को डाउन रोटेट किया. एंड आई हैड टू यूज लॉट ऑफ टिप ग्राफ्ट टू गिव हिम दैट लेंथ. पुराने सर्जन ने जो ऑस्टियोटमीज की थी, इनका बोनी जो डॉर्सम था वो बहुत नीचे बैठ गया था. मुझे रीडू ऑस्टियोटमीज पिएजो से करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनका नेजल ब्रिज बाहर आए और उनकी नाक प्रोपोर्शनेट लगे. अभी इनकी नाक चेहरे पे बहुत अच्छी और बेहतरीन लग रही है, लेकिन अगर आप देखें, 7 दिन पे टिप पे बहुत स्वेलिंग है. एसिमेट्रिकल नॉस्ट्रल्स लग रहे हैं. 6 महीने पे स्वेलिंग कम हुई है, लेकिन नाक की असली शेप अभी तक बाहर नहीं निकली है. 1 साल पे अगर आप देखते हैं तो नाक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इनके चेहरे पे सूट कर रही है और पेशेंट पहले से बहुत खुश है कि मेरा फेस पहले से काफी सुंदर लग रहा है. और ये आप भी देख सकते हैं. और वो सब लोग जो राइनोप्लास्टी करवाते हैं, प्लीज इम्पेशेंट मत हो जाएं कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा. प्लीज वेट फॉर एटलीस्ट 1-1.5 ईयर to take a call whether you want to get a redo rhinoplasty done or not. आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इनकी टिप बिल्कुल गोल लड्डू के जैसी लग रही है. और अगर यही टिप आप 1 साल पे देखते हैं तो अच्छी पॉइंटेड टिप नजर आ रही है. तो ये चेंजेस जो होते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, इंटरनल हीलिंग से होते हैं. सो डोंट बी इम्पेशेंट, प्लीज वेट फॉर योर कम्प्लीट हीलिंग to occur for the final shape to settle down and then think of your redo rhinoplasty.
For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.